गुड मॉर्निंग क्लास फाइव सब्जेक्ट इंग्लिश साइंस. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेवन रॉक्स एंड मिनरल्स. टॉप नेम ऑफ टॉपिक इज सेडिमेंट्री रॉक्स. यहाँ फॉर्मेट बाय लेयर ऑफ सेडिमेंट, इसको समझने के लिए हम लोग बुक में देखते हैं. उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है? तो अर्थ के सर्फेस में हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होता है, वेदर चेंजिंग होता है. उसके कारण क्या है? तो हवा, पानी, बर्फ, ये सब जो होते हैं वे पत्थर को तोड़ते हैं और इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. और ये पत्थर, टूटे हुए पत्थर और स्टोन, ये क्या होता है, नदी और स्ट्रीम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक बहाकर ले जाया जाता है. और इसी कैरिंग प्रोसेस में वह पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स जैसे पेबल्स, ग्रेवल्स और सैंड, क्ले, डिसॉल्व मिनरल्स, इनको भी अपने साथ ले जाते हैं. और इसको ले जाकर अपने बॉटम में लेयर बाय लेयर बिछाते जाते हैं. और हजारों साल बाद जो ये सेटल्ड मैटर है, बिछा हुआ लेयर जो है, वह क्या हो जाता है, कंप्रेस होकर पत्थर का रूप धारण कर लेता है. और इसी पत्थर को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स. तो सेडिमेंट के बारे में बताया, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले और मिनरल्स दैट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर. अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैन, और इसमें क्या होता है, व्हेन सेल्स ऑफ सी क्रिएचर फॉल टू द फ्लोर ऑफ द सी, इसी प्रोसेस में क्या हो जाता है, सी में जो भी क्रिएचर रहते हैं वो इसमें दबते चले जाते हैं और जिनम डाय और मर जाते हैं. और इनके जो अवशेष है उस पत्थर पर बन जाते हैं. व्हेन द सेल्स फ्रॉम ए लेयर थिक इनफ वी गेट कंप्रेस ऑफ द, और पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ दिया हुआ है. तो फर्स्ट टाइप है कैंग्लोमेट्रेट. कैंग्लोमेट्रेट जो है वह रॉक्स जो है वह बेढंगा टाइप का रॉक्स होता है. स्ट्रक्चर उसका अनियमित होता है और यह पेबल और ग्रेवल्स के कंबाइंड से बना हुआ था, सीमेंटेड से बना हुआ था. और इसमें मिनरल और सैंड जो होता है, पानी बहा कर जो ले जाया जाता है उसी से बनता है. तो कैंग्लोमेट्रेट रॉक्स जो है वह मोस्टली ग्रे कलर और ऑरेंज कलर का होता है और इसे ऑर्गामेंटल रॉक्स कहा जाता है. और इसे ऑर्गामेंट, पॉलिश ऑर्गामेंट बनाया जाता है, सजावट की चीज़ें बनाई जाती है. सेकंड है सेल. तो सेल जो होता है वह फाइन ग्रेन्स, अच्छे कणों, क्ले के अच्छे कणों से और मिट्टी के अच्छे कणों से बना होता है. और यह अच्छे पार्टिकल्स के होने के कारण, पत्थर के अच्छे पार्टिकल्स होने के कारण ये जो होता है इससे ब्रिक्स और मतलब ईंट और टाइल्स बनाया जाता है. इट इज ए स्मूथ रॉक्स, और ये स्मूथ रॉक्स होता है. नेक्स्ट है सैंडस्टोन. सैंडस्टोन जो है वह सैंड के कणों से बना हुआ होता है और इसमें मोस्टली अच्छे किस्म के मिनरल्स होते हैं और यह रेड, पिंक, येलो, ब्राउन कलर का होता है. यह जो होता है वह बिल्डिंग स्टोन होता है, जैसे कि रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, ये दोनों बिल्डिंग जो है इसी सैंड स्टोन से बना हुआ है. क्वार्ट्ज इज द मेन मिनरल्स फाउंड इन से, और मिनरल्स इसमें कौन से मिनरल्स पाया जाता है, तो क्वार्ट्ज. और क्वार्ट्ज जो है वह इसी रॉक्स क्रिस्टल कहा जाता है, इसलिए इसे रॉक क्रिस्टल कहा जाता है. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वह इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के का जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अर्थ के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण दूसरे हाई टेम्परेचर मिल्ट ना होकर एक दूसरे उसका मिनरल्स जो होता है दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होता है, चेंज हो जाता है और सेप भी चेंज होता है, जिस कारण इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये बहुत सालों के बाद मिलेनियम ईयर्स इसको बनने में लग जाते हैं. ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का रूपांतरित रूप है, मतलब परिवर्तित रूप है, इसको बदलने से बना है. टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स में हो जाएगा स्लेट. स्लेट जो होता है वह सेल जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जो बदलाव होता है उसी के द्वारा स्लेट बनता है. और ये स्लेट जो होता है वो काले रंग का होता है, जिससे
ब्लैक बोर्ड बनाया जाता है, हैंड हेल्ड राइटिंग टैबलेट यानी कि स्लेट जो बच्चे यूज करते हैं लिखने के लिए वो बनाया जाता है। और स्लेट आर ऑल्सो यूज फॉर वॉविंग फ्लोर एंड रूफ टाइल्स के रूप में, रूफ टाइल्स के रूप में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है नीस। नीस भी एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि ग्रेनाइट के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण रूपांतरित हो जाता है। और यह जो होता है लाइट डार्क बैंड होता है और इसका यूज जो होता है बिल्डिंग में होता है। मार्बल, मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक टाइप्स है जो कि लाइमस्टोन के द्वारा के रूपांतरण के रूप में मार्बल्स बना है। और ये जो होता है डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन वाइट कलर जो हुआ मोस्टली कॉमन कलर है जिसका यूज स्टेचू और बिल्डिंग बनाने में होता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है वह सैंड स्टोन का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है उसी के द्वारा। और यह जो होता है बहुत हार्ड रॉक्स होता है और इसमें जो होता है वेदर रेसिस्टेंट, इट द यूज इन, इसका यूज होता है ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में होता है। इट इज ऑल्सो यूज, यह भी ऑर्गामेंट्स यूज बनाने के लिए, सजावट की चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरह ये आपका रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिनरल्स बताऊंगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको आप लोग तब तक बनाएंगे। थैंक यू।